हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। एल्कोहल फिनाल और ईथर के आज हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन के बी टाइप, क्योंकि ए टाइप हमने देखा था एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म द्वारा। आज हम देखेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन द्वारा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म लगा के, और हम देखेंगे कैसे एल्कीन से एल्कोहल में कन्वर्जन होता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही छोटी है बट बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है इसमें, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान देकर आसानी से एल्कोहल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें फ्राम एल्कीन, यानी कि हमको एल्कीन से, और बनाना क्या है, हमको एल्कोहल बनाना है। दूसरी चीज़ हम बात करें बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या चीज ऐड होती है ये चीज भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले फ्राम एल्कीन बोला है तो हम एक लेते हैं एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स एल्कीन वो होते हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाएं। तो यहां पर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब देखिए, ये हमने ले लिया एल्कीन, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करें इसकी रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में BH3 से कराते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में BH3 से कराते हैं। अब BH3 जो है ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में कहीं भी ऑक्सीजन की बात नहीं हुई है। ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन की बात करें तो 3 डिफिनीशन होती है माय डियर स्टूडेंट्स। एक होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक होती है गेन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एक होती है लूज ऑफ या जहाँ पे डोनेट किया जाए हाइड्रोजन, लूज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 3 केसेस होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि ऑक्स मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हो, हाइड्रोजन लूज हो, उस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे हमको हाइड्रोजन का खेल लग रहा है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप इस रिएक्शन को डायरेक्टली, हो सकता है आपके बुक में कैसे दिया हो, हो सकता है यहाँ पे 3 लिखा हो और यहाँ पर भी आपको 3 लिखा हो, और आपकी जो रिएक्शन दी हो स्टूडेंट्स वो रिएक्शन ऐसे दी हो, प्रोडक्ट जो बना हो वहाँ पे बना हो CH3CH2CH2CH2OH, हो सकता है ऐसे कुछ बना हो आपका प्रोडक्ट, एंड प्लस H3BO3। अगर इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट लिखें तो माय डियर स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा, 3 अल्कोहल हमको मिलेंगे और H3BO3, इसको हम बोरिक एसिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। बट आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ 3 कैसे लगाए, यहाँ 3 कैसे लगाए, यहाँ पे ये कैसे बना, डायरेक्टली हमको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। तो इसको हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, देन जाकर ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होगी। तो जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम कितने स्टेप में पहुँचे और कितनी बार यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, कितनी बार हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये सारी प्रोसेस हम लोग देखेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली प्रोडक्ट तो बन गया, बट ये प्रोडक्ट आया कैसे, आपको कैसे याद हो। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि पिछली रिएक्शन में हम लोगों ने मार्कोनी कॉप रूल लगाया था, इस रिएक्शन में जो ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है यहाँ पे हम एंटी मार्कोनी कॉप रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनी कॉप रूल लगाएंगे। अब आप सोचेंगे सर इसमें कैसे लगेगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एंटी मार्कोनी कॉप रूल लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एल्कीन लेते हैं और पहला स्टेप कराते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं क्या, एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन हो गया। अब यहां पे हम केवल एक BH3 ले रहे हैं, अभी हम 3 मॉलिक्यूल नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको 3 स्टेप में बात करनी है। एक BH3 लिए, हम BH3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। हम BH3 को ऐसे लिख दिए और ये रिएक्शन हमने प्रोसीड कराई। अब स्टूडेंट्स आपको ये चीज ध्यान देनी है
कि यहाँ पे इसको बॉन्ड को तोड़ना है, हमको डबल बॉन्ड को तोड़ना है और एंटी मार्कोनी कॉप रूल लगा के। एंटी मार्कोनी कॉप रूल का मतलब हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा, ये जो हाइड्रोजन है माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन वहाँ इसका अटैक हमको इस पर कराना है। तो एंटी मार्कोनी कॉप रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी कि यहाँ पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि मार्कोनी कॉप रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे और निगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। बट यहाँ पर मामला जस्ट अपोजिट है। तो एंटी मार्कोनी कॉप रूल के अकॉर्डिंग ये यच यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसका मतलब ये BH2 इस पर अटैक करेगा, क्योंकि जब यही तो बचा, एक इस पर जुड़ेगा एक इस पे, तो जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा BH2। इस BH2 को आप नहीं समझ पा रहे होंगे, BH2 इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इस पे पार्शियली निगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव। तो ये निगेटिव वाला कहाँ जाके जुड़ता है, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कॉप रूल, तो ये यहाँ पर जुड़ेगा और ये यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स जब ये वहाँ पर जुड़ा तो बना क्या, ये देखिए यहाँ पे हमारा बना CH3 और यहाँ पे हमारा CH, क्योंकि एक बॉन्ड हमने ब्रेक किया, यहाँ पे एक बॉन्ड ही ब्रेक किया, ये ऊपर वाला। यहाँ पे CH में हमारा हाइड्रोजन आके जुड़ गया और यहाँ पे जो हमारा था CH2 इसमें क्या जुड़ गया, हमारा BH2। इतना हमारा बना और ये हमारा पहला स्टेप था। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पहला स्टेप था। अब फिर से आपको बस इतना ध्यान देना है, इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो लगातार हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ पे आया। अभी देखो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन और भी कराएंगे। देखिए अब इस रिएक्शन में ये जो BH2 है आपको क्या करना है, इस BH2 को आपको इस तरह लिखना है। किस तरह? इस तरह लिखना है। अब फर्दर एक रिएक्शन करानी है यहाँ पे और हमको क्या लेना है, वही स्टार्ट वाला एल्कीन। याद रखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमने यूज किया, एक मॉलिक्यूल हमने इसका यूज किया, अब हम सेकेंड मॉलिक्यूल इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब स्टूडेंट्स ध्यान ये देना है कि इसका अटैक कराना है इस पर। अब आपको फिर से एंटी मार्कोनी कॉप रूल लगाना है। एंटी मार्कोनी कॉप रूल लगाने का मतलब इसको पहले हम ब्रेक करेंगे, इसको एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ये जो BH2 है इसमें अगर हम इसको तोड़ें, यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो BH- आएगा और H+, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये जाके यहाँ जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, और ये जो BH है ये यहाँ अटैक करेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ जुड़ेगा, ये जो BH है ये यहाँ जुड़ेगा। इस अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी। दूसरा कलर हम आपको लेकर दिखाएं। इस अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, CH3CH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा CH2 और यहाँ पे BH, ये BH है हमारा, और ये जो BH है ये किससे जुड़ा, इसको थोड़ा मैं ऐसे दिखा दें, BH को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये जो BH है ये डायरेक्ट इस पर अटैक किया, यानी कि CH2 से जुड़ा, और ये CH2 और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, हम इधर दिखा दे रहे हैं, और ये CH और इस CH पे एक हाइड्रोजन जुड़ा, कौन सा, यही वाला, ये हाइड्रोजन, बाकी एज इट इज़ हम उतार लेंगे, बाकी एज इट इज़ हम उतार लेंगे CH3। अब यहाँ से देखिए तो ये जो बोरान है ये एक इससे जुड़ गया जो यहाँ स्टार्ट में लिए थे, और ये दूसरा। आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान बस इतना देना है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो BH3 था इससे पहले हम एक H निकाले, इसको ऐड किए यहाँ पर, तो ये यहाँ आकर जुड़ा, ये H जो नया वाला था, ठीक है, यही H हमारा यहाँ आके जुड़ा। फिर दूसरे में यहाँ से एक H निकाले, वो H हमारा यहाँ आके जुड़ा। अब ये दोनों H BH से ही जुड़े हैं, BH3 से दो H निकल चुके हैं, अब केवल एक H बचा है, वो ये है BH3 को। हम BH को ऐसे जानबूझ के लिखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है कि ये H भी निकल जाए और यहाँ पे कोई तीसरा ये एल्कीन अटैक करे, तो तीसरा एल्कीन कैसे अटैक करेगा, ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, फिर से यहाँ पे हम एक एल्कीन लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से जब एल्कीन लिए ये डबल बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा
और यही यही आके एडिशन देगा। देखिए यहाँ पे जब हम फिर से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किए, ये देखिए अब यहाँ पे भी एंटी मार्कोनी कॉप रूल लगेगा। यहाँ पे एंटी मार्कोनी कॉप कैसे लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो सी एच टू है यहाँ पे बी वाला पोर्सन जुड़ेगा, ये वाला पोर्सन, और जो यहाँ पे सी एच है यहाँ पे एच ये वाला जुड़ेगा। तो सबसे पहले एच को निकालेंगे, यहाँ पे अटैक कराएंगे। अब देखिए जब डबल बॉन्ड हमने ब्रेक किया, ध्यान से देखिए जब डबल बॉन्ड हमने ब्रेक किया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं जितना हमारा ये बचा हुआ है सी एच थ्री सी एच सी एच टू बी, और यहाँ पे ऊपर से एच हम निकाल के यहाँ लाकर अटैक कर दिए हैं। अभी हम उसको भी दिखा रहे हैं, ये हमारा सी एच टू हो गया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, और ये सी एच टू, और यहाँ पे हम इसको सी एच थ्री थोड़ा सा ऐसे दिखा दे रहे हैं, और ये सी एच टू, यहाँ पे सी एच, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे सी एच थ्री। तो ये हमारा बोरान है, इससे ये एक ग्रुप जुड़ा है, इससे ये दूसरा ग्रुप जुड़ा है, और मैंने कहा कि ये जो यहाँ पे एच था इसका, ये एच जाकर जुड़ जाएगा इसके पास और ये बी अटैक कर देगा इस पर। तो जब ऐसी प्रोसेस होगी तो बी के साथ कौन जुड़ेगा, ये जुड़ेगा सी एच टू, सी एच टू ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे वो एच आके जुड़ा और सी एच थ्री। ये हुई हमारी ओवरऑल तीसरा स्टेप, और आप बार बार देख रहे हैं कि ये जो एल्कीन है तीन बार यूज हुई, एक बार यहाँ यूज हुई, एक बार यहाँ यूज हुई, और एक बार वही एल्कीन यहाँ हमने यूज की। तो एल्कीन के कितने मालिक्यूल यूज हुए, थ्री मालिक्यूल यूज हुए, इसीलिए जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी तो हमने एल्कीन के थ्री मालिक्यूल यूज किए थे। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बी एच थ्री था, यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हुआ। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गायब हुआ तो इसका एडिशन किस पर हुआ, तो हाइड्रोजन का एडिशन उस पर होगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो एक बार ये इस पर अटैक किया तो ये देखिए यहाँ हमने जुड़ा है, और ये जो बी एच था ये क्योंकि निगेटिव पोर्शन है तो ये इस पर जुड़ गया, क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए ये इस पर जुड़ गया। तो बी एच इस पर जुड़ा तो हमारा ये बनाया, देखिए यहाँ पे बॉन्ड बनाया। अब ये बी एच टू बचा, फिर से एक हाइड्रोजन को इसके हम निकालेंगे और इसके हाइड्रोजन को फिर से अटैक कराएंगे, कहाँ पे, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास था, देखिए यहाँ पे इन दोनों कंपेरिजन इस पे, तो हाइड्रोजन इस पे अटैक किया और ये बॉन्ड टूटा तो ये हाइड्रोजन पा गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, निगेटिव, तो ये वाला पोर्सन निगेटिव था क्योंकि हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज था। अब ये इसके साथ जुड़ गया, जब ये इसके साथ जुड़ा तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ बनी, यहाँ पे बी एच बना, बी एच बचा ना, ये इसके साथ जुड़ गया, बाकी सेम चीज़ हम ऐसे उतार लिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा तो यहाँ पे दिखा दिया, और ये सब पहले का है। अब तीसरे स्टेप में इस एक एच को जो बचा है इसको भी निकालेंगे और इस पर भी एंटी मार्कोनी कॉप रूल लगाएंगे, इसको भी वहाँ ले जाएंगे जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। जब इसको वहाँ लाए तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पर यहाँ था, यहाँ अटैक कराए तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर दिखा दिए हैं, ये देखिए यहाँ पर उसी हाइड्रोजन को हम यहाँ दिखा दिए हैं, ये तीनों हाइड्रोजन हैं जो निकले थे। और आप देख सकते हैं माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक हमारा हाइड्रोजन था, ठीक है, आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि ये तीनों हाइड्रोजन वहीं जुड़े हैं एंटी मार्कोनी रूप से, एंटी मार्कोनी रूल से, कि जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। अब ये बोरान निगेटिव पोर्शन है, ये कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइयर नंबर थी, ये इस सी एच टू से जुड़ गया। तो इस तरह से ये तीन सी एच टू इस बोरान से अटैच्ड हो गए और उसके साथ साथ एच, अब ये एच यहाँ नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बी एच ही बचा था और ये एच निकल के इस रिएक्शन में यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ पे केवल बोरान। इतना स्टेप ध्यान देना है कि तीन बार हमको एल्कीन का एडिशन कराना है, तीन बार हमको एंटी मार्कोनी कॉप रूल से हाइड्रोजन को निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, यहां पे 3H2O2 हमको लेना है। 3H2O2 को अगर हम थोड़ा सा ओपन करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, OH के थ्री मॉलिक्यूल। अब हमको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही स्टेप आपकी पूरी मैकेनिज्म बदल देगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये देखिए हमको यहाँ से इसको ब्रेक कर देना है, और यहाँ से ब्रेक करने के बाद एक ओ एक एक ओ एच इस पे जोड़ देना है, एक ओ एच इस पे, एक ओ एच इस पे, एक ओ एच इस पे, और एक एक ये तीन ओ एच इससे जोड़ देना है। तो देखिए बनेगा क्या, जब हम इनको यहाँ से ब्रेक किए और यहाँ पे ओ एच ओ एच जोड़े तो हमारे पास बचा क्या, देखिए सी एच थ्री, और इसको अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी एच टू एंड फिर सी एच टू एंड ओ एच, ये हमारा बना पहला प्रोडक्ट।
तो ये इसके लिए बना, यहाँ पे OH जोड़े, अब यहाँ पर भी हम OH जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम एक OH फिर जोड़े और यहाँ पर भी हम OH जोड़ेंगे तो ओवरऑल हमारा तीन बना, 3CH3CH2CH2OH, ये हमारा एल्कोहल बना। और क्या बना, हमारा बोरान अकेले है तो अकेले लिख दिए और यहाँ पे 3OH है, 3OH को जब रीअरेंज करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं H3BO3, यहाँ पे देखिए 3 और 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन को रीअरेंज करके हम क्या बना दिए, बोरिक एसिड। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन द्वारा एल्कोहल का प्रिपरेशन। आपको ये रिएक्शन थोड़ी सी टफ लग रही होगी कि सर बड़ा कन्फ्यूजन इस रिएक्शन में, बट माई डियर स्टूडेंट्स एक बात आप यकीन मानिए, अगर आप इसी वीडियो को दो बार देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन कहाँ अटैक किया, बस इतना जानिए हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और जो निगेटिव पोर्शन है वो CH2 वाले पोर्शन से जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ऐसे करके हमने 3 बार इसका एडिशन कराया, 3 बार बॉन्ड ब्रेक किया, 3 बार हाइड्रोजन इस पर जोड़ा जहाँ पे लेसर नंबर है और निगेटिव पोर्शन इस पे, ऐसे करते करते ये 3 पूरे चेन से जुड़ गया। फिर चेन को हमने ब्रेक किया इसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, और परऑक्साइड की उपस्थिति में जब ब्रेक किया तो ये माय डियर स्टूडेंट्स बी के साथ 3OH जुड़े जिसको रीअरेंज किया, H3BO3 हो गए, H3BO3, उसी चीज को हम बस रीअरेंज किए हैं। और ये यहाँ पे एक OH जुड़ा, यहाँ पे एक OH जुड़ा, यहाँ पे एक OH, तो बन गया 3CH3CH2CH2OH। और यही चीज हम रिएक्शन में आपको पहली बार डायरेक्ट दिखाए थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन द्वारा कैसे एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए, साथ ही साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से कैसे हम एल्कोहल को बनाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।